पब्लिक टीवी की टीम इस वक्त है वार्ड 16 में और अब हम जानेंगे कि किस तरह से इनकी तैयारियां हैं। हम प्रत्याशी जी के पास हैं, उनकी तैयारियां क्या रही हैं और आगे की रणनीति क्या है, किस तरह से क्षेत्र का विकास किया जाएगा और अब तक क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, क्षेत्र में जाकर किस तरह से प्यार मिला है, इन्हीं सभी सवालों के लिए आज हम मौजूद हैं हमारे प्रत्याशी जी के साथ में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अपनी दावेदारी की थी और भारतीय जनता पार्टी ने भी उन पर भरोसा जताया है। तो जानेंगे कि किस तरह से आखिरकार तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्षेत्र के विकास में किस तरीके की रणनीति आपने तैयार की है। देखिए, क्षेत्र के विकास में सबसे अभी तक जो मेरे सामने समस्या लोगों की आई है वो पार्कों की सफाई, पार्कों पर जो अवैध कब्जे हैं, नालियों की सफाई और लाइट की व्यवस्था, ये तीन चीजें प्रमुख हैं जिस पर मुझे काम करना है। इसके अलावा अगर बात करें और भी बहुत सारी समस्याएं थी जो आपके सामने आई होंगी, जैसे कहें कि भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद पहले भी थे और इस बार भी आप भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने ही इतने काम नहीं कराए। देखिए, उनके साथ एक समस्या कुछ नहीं थी, उन्होंने अपने तरह से पूरा का सारा काम किया क्योंकि सरकार उस समय सपा बसपा की थी, तो सपा बसपा के कार्यकाल में वो अपना पूरा काम नहीं कर रहे थे। अब भाजपा की सरकार है, उसमें सारे काम जो उनके अधूरे थे वो हम पूरा कराएंगे। लेकिन मेयर भाजपा नहीं, देखिए मेयर भाजपा, लेकिन जो पैसा आता था वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाया शहर में। मेयर जी ने बहुत मेहनत की, लेकिन क्योंकि सरकार नहीं थी भाजपा की, सपा की सरकार थी और सपा की सरकार में सारा जो भी पैसा था वो मुस्लिम क्षेत्रों में आता था, हिंदू इलाकों में पैसा नहीं आ पाया। जिस तरीके से बात करें भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब ने भी, उन्होंने उनका कहना भी ये था कि मैंने सबसे ज्यादा विकास क्षेत्र में कराया, उसके बावजूद ऐसी इस तरीके की विकास विनोद जी ने काफी कराया और बीना जी ने भी काफी कराया था, लेकिन बात आती है फंड की, वो प्रॉपर पैसा उन तक नहीं पहुंच पाया जिसके लिए विकास नहीं हो पाया। मुस्लिम इलाकों में आप जाएंगे तो प्रॉपर काम था, क्योंकि मुस्लिम इलाकों में भी सारे जितने भी उनके विधायक थे उन लोगों ने काम किया, विनोद जी ने अपने कार्यक्रम में बहुत अच्छा काम किया। तो बात करें भारतीय जनता पार्टी पर, आपने एक भरोसा जताया है, छह महीने मतलब सरकार बनने के बाद में कहीं ना कहीं देखें तो भारतीय जनता पार्टी पर से भरोसा लोगों का उठा है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में वायुमंडल में परिवर्तन है, आप बिल्कुल खुले में सांस ले रहे हैं, कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं कि सपा से बहुत बेहतर शासन समय भाजपा का चल रहा है और बहुत अच्छा माहौल है। कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता उसमें परेशान? नहीं नहीं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही सम्मान मिला। आज मैं कार्यकर्ता था तभी मेरे को टिकट दिया गया, मैं भाजपा का कार्यकर्ता था इसलिए भाजपा ने मुझे गुस्सा दिया और मैं टिकट दिया। बात करें जो और लोग थे और मैदान में थे वो नाराज है, टिकट एक को मिलता और नाराज कोई नहीं, सारे तन मन धन से चुनाव लड़ रहे हैं, किसी में कहीं भी कोई विरोध नहीं है, सब लोग लड़े हुए हैं। मनाने के लिए भी कोई तैयारी नहीं? कुछ नहीं, सब साथ में, सारे लोग साथ में, मेरे साथ पूरी टीम कंधे से कंधे मिला के चली है। कुछ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गुटबंदी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और बड़ी सीट पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो क्या कहें कि यहाँ कहीं ना कहीं गुटबंदी जो भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण बनती है या कम सीटें लेकर आती है, जिस तरीके से अब की बार भी देखा जाए तो बहुत कम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दावेदार उतारे, जबकि सरकार सभी जगह है और सभी जगह पर अपने प्रत्याशी उतारने चाहिए। वही सभी शुरू हैं और कहीं भी कोई विरोध नहीं है, और जब पार्टी बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं मनमुटाव ऐसा है नहीं कहीं जो दिख रहा है, लेकिन सब लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग हमें चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है। क्या कुछ खास प्लानिंग की गई है आपके द्वारा इस चुनाव? प्लानिंग सिर्फ बूथ की है, बूथ मजबूत होगा तो हम चुनाव जीतेंगे, और हर बूथ पर 10 यूथ का काम चल रहा है, मेरे क्षेत्र में 8 बूथ है, हर बूथ पर 10 से 11 लोगों की टीम लगी हुई है और बहुत अच्छे अंदर से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। क्षेत्र की जनता का अगर बात करें किस तरह का रिस्पॉन्स है? बहुत प्यार मिला, पूरी क्षेत्र की जनता में उत्साह है और भाजपा के लिए लोग काम कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब तक बसपा ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे थे, वो बुजुर्ग लाडन है, बसपा का कहीं जनाजा नहीं, सबको पता पैसे लेके, अभी भी पार्षद के टिकट पे पैसे लेके टिकट दिए गए, तो बसपा के लिए कोई नहीं पूछ रहा। मेरे क्षेत्र में बसपा का प्रत्याशी मात्र 300 के आसपास मिल जाएगा और सपा का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, भाजपा ही भाजपा। इसके अलावा अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की ही, भारतीय जनता पार्टी में अभी कुछ दिन पहले भी एक बात सामने आई थी कि 6 महीने सरकार को यहाँ हुए, नोटबंदी केंद्र सरकार ने की और बहुत सारे निर्णय लिए, GST लगाई, क्या उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है,
क्या कहेंगे जनता से, जनता से क्या अपील? जनता का सबका प्यार मिला और एक साफ सुथरा वातावरण है, कहीं कोई विरोध नहीं, बहुत अच्छा काम है, सब लोग मोदी जी के साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप जी, जिन्होंने हमारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं। देखना यह होगा कि जनता इन पर कितना भरोसा जताती है और जनता किसके सर पर ताज सुनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी के साथ अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया, मुरादाबाद।